गई थी। ये बात मैंने तेते को बोली थी आपको बोलने के लिए। तू हमेशा सारी बात तेते को क्यों बोलती है? तू मुझे आकर क्यों नहीं कहती है? सॉरी दी। और सुगा, तुमने मुझे एक क्यों नहीं बताया? तुम मेरे बहन से प्यार करते हो? सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं था जिमिन आपकी बहन है। मैं जिमिन से कॉलेज लाइफ से प्यार करता हूँ। और मैं भी। सुगा जिमिन को सब कुछ बताता है। तू उससे कॉलेज लाइफ से प्यार करती है और तू मुझे आज बता रही है? ओ, तूने तो बताया ही नहीं, मुझे पता चला है। जिन बेटा, तुम गुस्सा मत हो, उन दोनों को तो पता नहीं था कि तुम जिमिन के बहन हो और आरएम सुगा के भाई है। ये गलती तो आरएम की है। हाँ, मेरी गलती? अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो उसे बोलो। ग्रैंडपा, मैंने क्या किया है? अगर तूने उन दोनों को शादी में आने के लिए नहीं रोकता तो उसे पता चलता जिमिन जिन की बहन है। भाभी, अगर आपको इस रिश्ते से प्रॉब्लम है तो हम अलग हो जाएंगे। हादी, हम आप दोनों के मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। जिमिन, तू बहुत बड़ी हो गई है। नहीं दी, मैं आपके लिए अभी भी छोटी हूँ। तुम दोनों को कौन कहा मुझे इस रिश्ते से प्रॉब्लम है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरे साथ रहेगी इस घर में, मेरी देवरानी और मेरी बहन बनके। थैंक यू दी। थैंक यू भाभी। आरएम, इन दोनों की शादी की तैयारी करो। मैं ज्यादा देर नहीं करना चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके इन दोनों की शादी करना चाहती हूँ। हाँ जिन, तुमने सही कहा। आज से तू इस घर में रहेगी और यहाँ से ऑफिस जाएगी, और तुम भी इस घर में रहोगे, समझे तुम दोनों? हाँ, समझ गई। इतने का फोन क्यों स्विच ऑफ है? और अंकल, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए, जंगकुक चला जाता है। अंकल, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बैठे हो? और ते कहा है, उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है? वो ठीक तो है ना? बेटा, तुम शांत हो जाओ, वो ठीक है, मुझे उससे मिलना है। वो यहाँ नहीं है बेटा। नहीं है? हाँ, वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, उससे बताने से मना किया है। अंकल, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बताओ वो कहाँ है और कैसी है? वो ठीक तो है ना? मुझे उसके लिए फिक्र हो रहा है। क्यों बोलूं मैं तुम्हें? मैंने तुम्हें बोला था ना, उसे कभी हर्ट मत करना, फिर भी तुमने उसे हर्ट किया। अंकल, मैं उस वक्त बहुत परेशान था, इसलिए ऐसा किया। बेटा, तुम रो मत, वो जहाँ भी है ठीक है, तुम परेशान मत हो। बेटा, उसे थोड़ा वक्त दो। जिन, मुझे ऑफिस जाना है। भैया, चलो एक साथ जाते हैं। हाँ चल। जिमिन, तुम रेडी हो कि नहीं? हाँ। जिमिन, तू जाके उन दोनों को ब्रेकफास्ट लेकर आ। हाँ दी। जिमिन ब्रेकफास्ट लेकर जाती है। आप दोनों ब्रेकफास्ट कर लो, तुम भी कर लो, तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है। नहीं सुगा, आज मेरा मन नहीं है। क्यों जिमिन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। सुगा, जिमिन को आज जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बेटा, जंगकुक कहाँ है? जब से घर लौटा है तब से देख रहा हूँ, वो अकेला रहता है, कब आता है कब जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। हाँ जीजू, ग्रैंडपा सही कह रहा है, मैंने भी नोटिस किया है, मैंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। किसकी बात कर रहे हो? जंगकुक की। जिन, जंगकुक ठीक तो है ना? हाँ, उसे क्या होगा, वो बिल्कुल ठीक है। ग्रैंडपा कह रहा था वो किसी से बात नहीं करता है, कब घर आता है कब जाता है किसी को पता भी नहीं चलता है। आरिम, तुम दोनों का एक फिक्स टाइम है, सुबह जाते हो, शाम को घर आते हो, कभी कभी रात को आते हो, लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। वो कभी सुबह घर आते हैं, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी रात को, कभी कभी तो घर ही नहीं आते हैं, तो वो सबसे बात कब करेगा? जब तुम दोनों घर रहते हो तो वो घर नहीं आता है, जब वो आता है तो तुम दोनों नहीं आते हो। लेकिन बेटा, मैं तो रहता हूँ ना। ग्रैंडपा, वो थक कर घर आता है, सारे दिन हॉस्टल में रहता है, इतने सारे पेशेंट को देखना पड़ता है, जब वो थक कर घर आता है उसको रेस्ट की बहुत जरूरत होती है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, मैंने उसे बोला था बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, लेकिन नहीं, उसे डॉक्टर बनना था। जीजू, हमें लगता है हमें उसके साथ थोड़ी टाइम बिताना चाहिए, वो शायद अपने आप को अकेला समझता है, सिर्फ दी ही अकेले उसके साथ टाइम बिताती है, वो भी उसे पूरा टाइम नहीं दे पाती है। आपकी भाई को शायद आप दोनों की जरूरत है। जिन और जिमिन एक दूसरे की तरफ देखती है। दी, मैं जानती हूँ जंगकुक बहुत तकलीफ में है, मुझे पता नहीं है उसे क्या हुआ है, लेकिन आपको पता है उसे क्या हुआ है, इसलिए तो आप सबसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जिमिन सही कह रही है, हम तीनों भाई अपने अपने लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि हम तीनों एक साथ टाइम बिताना ही पाते हैं। हाँ भैया, आपने सही कहा, जंगकुक लाइफ में क्या कर रहा है हमें कुछ भी पता नहीं है। जंगकुक कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आया है, शायद रात को आएगा। ठीक है, वो सब खाना खा के चला जाता है। क्या हुआ दी, आप क्या सोच रहे हो? मैं तेते के बारे में सोच रही हूँ।
हमें भी तो पता नहीं है हमारे छोटी बहन की लाइफ में क्या हो रहा है, एक बार भी जानने की कोशिश नहीं किया है। हाँ दी, आप सही कह रहे हो। दी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। जांकू को क्या हुआ है? मुझे पता है, आपको पता है, आप मुझे बोलेंगे? पेशेंट को हैंडल नहीं कर पाते हो? तुम सब डॉक्टर किसलिए बने हो? जाओ जाके दूसरा काम ढूंढ लो। सॉरी सर, अपने काम पे फोकस करो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो तुम्हारी पेशेंट के पास होना चाहिए था ना? ओ सर, तुम सब यहाँ क्या करने आते हो? मस्ती करने? ये कोई क्लब है? सॉरी सर, जाओ जाके अपने अपने पेशेंट को देखो। अगर कोई भी पेशेंट को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कह के जंगकुक चला जाता है। जंगकुक सर कितना रूडली बिहेव करता है, दिन ब दिन उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा है। वो जो कहता है तुम सबके भलाई के लिए कहता है। आप जाओ जाके काम करो वरना फिर से डटेगा। हाँ जाते हैं, वो सब चले जाते हैं। मॉम, मुझे बहुत फिक्र हो रही है जंगकुक सर के लिए। हाँ मुझे भी, ये सब ते के जाने की वजह से हुआ है। पता नहीं वो कब लौटेगी। उसका काम क्या खत्म हो गया है? पापा ने कहा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन वो है कहाँ यही तो पता नहीं है। जो भी हो, मैं उसके लौटने की इंतजार कर रही हूँ। शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो जरूर लौट आएगी। उसे आना ही पड़ेगा तुम्हारे पास। वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है ना, तो वो तुमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएगी। नहीं भाभी, वो बहुत सीधी है, वो जो कहती है वही करती है। प्यार के आगे जीत नहीं चलती है, प्यार के आगे सब कुछ हार मान जाते हैं। तुम अब रोना बंद करो जंकू। भैया क्या हुआ है? कुछ नहीं भैया, तू रो क्यों रहा है?